नमस्कार दोस्तों वेलकम टू वीडियो गुरु एक बार फिर से स्वागत है आपका वीडियो गुरु में और आज फिर आपके सामने क्या बात करेंगे साइंस यानी फिजिक्स अब सोच रहे हो सर फिजिक्स कितना पढ़ेंगे क्या पढ़ लिया हमने सर फिजिक्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे क्वेश्चन आपके बारम बार पूछे जाते हैं तो याद होगा पिछले लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि ह्यूमन आई मानव नेत्र के बारे में पढ़ाई करेंगे देखेंगे तो देखते हैं मानव नेत्र से कैसे कैसे क्वेश्चन आपके बनते हैं ठीक है चलिए तो ये रहा मानव नेत्र यानी मनुष्य की जो आंख है वो बिल्कुल एक कैमरे की भांति कार्य करता है जैसे कैमरे में कोई चीज को क्लिक किया वो सेव हो गया फिर उसका हम पिक जब तक डिलीट नहीं करेंगे नहीं भूलेंगे लेकिन अब हमारा जो नेत्र है एक बार रेटिना देख लिया उसे हम भूलेंगे नहीं ठीक है द ह्यूमन आई वर्क लाई का फोटोग्राफिक कैमरा मानव नेत्र एक फोटोग्राफिक कैमरे की तरह काम करता है ना कि फिल्म की तरह एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मानव नेत्र किस प्रकार काम करता है कैमरे की तरह फिल्म की तरह तो क्या होगा हमेशा एक कैमरे की तरह काम करता है किस प्रकार काम करता है फोटोग्राफिक कैमरे की तरह कार्य करता है अब अगर बात करें एक क्वेश्चन बनता है जो हमारा प्रतिबिंब है वो कहां बनेगा तो पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि द इमेज इज फॉर्मड एट द रेटिना ऑफ द ह्यूमन आई प्रतिबिंब मानव आंख की रेटिना पर बनता है अब यही रेटिना गड़बड़ होता है रेटिना के आगे बना रेटिना के पीछे बना तब हमारे जो आंख में चश्मे लगने शुरू हो जाते हैं लेकिन जो ह्यूमन रेंज है हम स्पष्ट रूप से कितने सेंटीमीटर तक देख सकते हैं यह आता ना कई बार पूछता है एग्जाम में कि ह्यूमन आई की बात करें तो स्पष्ट रूप से कितने सेंटीमीटर तक देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर ये मिनिमम है सर मैक्सिमम कह नहीं सकते अनंत तक अब आसमान देखते हैं आसमान पूरा कितने दूर है कितने करोड़ किलोमीटर है दिखाई पड़ता है ना सर तो अनंत तो कह ही देंगे एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा मानव आंख की रेटिना पर जो पिक्चर बनता है वास्तविक तो बनता है लेकिन उल्टा बनता है वास्तविक बनता है लेकिन उल्टा बनेगा आप देखिए ये पिक है कैसे बना रेटिना पर आंख नीचे दिखाई पड़ा आंख नीचे दिखाई पड़ रहा है ना ब्रेन कैसे रीड किया इसको सीधा यानी प्रतिबिंब मानव आंख की रेटिना पर बनता है पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट अस्पष्ट जो दूरी है हम कितने सेंटीमीटर तक देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर तक मानव आंख पर जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा उल्टा बनेगा काल्पनिक नहीं वास्तविक बनेगा ठीक है अरे बात समझ में चलिए अब आगे देखिए तो द डिफेक्ट ऑफ विजन दृष्टि दोष यानी हम हमारी आंखों में कैसे कैसे बीमारियां होती हैं एक मायोपिया कहें निकट दृष्टि दोष या शॉर्ट साइटनेस यानी जिसे निकट दृष्टि दोष नाम है निकट लेकिन पता है निकट की वस्तु देखते हैं दूर का नहीं तो याद रख लीजिए निकट दृष्टि दोष में निकट वस्तु दिखाई पड़ेगा दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगा शॉर्ट साइटनेस यानी कैन सी नियरेस्ट ऑब्जेक्ट द पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखता है दूर की वस्तुओं को देख नहीं पाता है इसमें होता क्या है इन दिस डिफेक्ट ऑफ विजन द इमेज इज फॉर्म्ड बिफोर द रेटिना यानी इसमें जो इमेज है वो रेटिना से पहले बनता है इसमें रेटिना से पहले बनेगा इसलिए हम वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख नहीं सकते हैं ठीक है इसका और रीजन क्या है क्यों ऐसा होता है देखिए रीजन की अगर हम बात कर लें तब धूरी के साथ नेत्र गोलक का बढ़ना आप पिक देख रहे होंगे जो नॉर्मल आई है वो यहां तक पहुंच रहा है और जो मायोपिया वाली आई है वो पिक पूरा पहुंच नहीं रहा है यानी धूरी के साथ नेत्र गोलक का फैल जाना बढ़ जाना इलोनिगेशन ऑफ आईबॉल अलॉन्ग द एक्सिस शॉर्टनिंग ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस आंख के लेंस की फोकल लंबाई का छोटा होना तभी तो प्रॉब्लम होता है यही अपोजिट हो जाएगा हाइप्रोपिया में वहां पर धूरी के साथ नेत्र गोला का छोटा होगा और आंख के लेंस की फोकल लंबाई बढ़ जाएगी क्यों क्योंकि तो जहां मायोपिया में दूर की वस्तु नहीं देखते हैं वहीं हाइप्रोपिया या हाइपरमेट्रोपिया में नजदीक की वस्तु नहीं दिखेगी दूर की वस्तु दिखेगी तो अब हम देखें कि मायोपिया में क्या होता है किसके कारण होगा अब इसका उपाय भी चाहिए नजर कि मायोपिया हो गया तो क्या ऐसा ही रहे कौन सा लेंस यूज करेंगे कंकेव कॉन्वेक्स मायोपिया को ठीक करने के लिए द कनकेव लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया मायोपिया को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है मायोपिया को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं ठीक है याद रहेगा देखिए आगे अब आ जाए हाइप्रोपिया जिसे हाइपर मेट्रोपिया भी कहते हैं हाइपर मेट्रोपिया भी कहते हैं यानी इसमें क्या होगा वही कहा जस्ट अपोजिट लॉन्ग साइटनेट कैन सी फार ऑब्जेक्ट द पर्सन कैन नॉट सी द नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नाम है दूरदृष्टि दोष लेकिन दूर की वस्तुओं को देखेंगे निकट की वस्तुओं को देख नहीं सकते हैं इसमें क्या होगा जहां निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता था वहीं इसमें रेटिना के पीछे बनेगा अरे बातें समझ में एकदम समझना दृष्टि दोष में निकट की वस्तु नहीं देखेंगे निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु निकट दृष्टि दोष में क्या होगा नजदीक की वस्तु दिखाई पड़ेगी दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगी ठीक है अरे बस समझ में अब इसका उपचार क्या होगा तो जहां मायोपिया के लिए हम औतल लेंस वहीं हाइप्रोपिया हाइपरमेट्रोपिया के लिए उत्तर लेंस होगा अच्छा काउजेज देख ले वही का अपोजिट काउजेज है शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल अलोंग द एक्सिस धूरी के साथ नेत्र गोलक का छोटा होना वहां जहां बढ़ जाता था इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस नेत्र लेंस की फोकल लंबाई में वृद्धि हो जाएगी, जिसके कारण नजदीकी चीजें हमें दिखाई नहीं पड़ती है ठीक है तो उपाय क्या होगा इसका द कॉन्वेक्स लेंस इज यूज टू करेक्ट हाइप्रोपिया हाइप्रोपिया या हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए उत्तर लेंस का उपयोग किया जाता है याद रखने का मैं एक तरीका बता दूं देखो याद रखना अगर हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं दूर दृष्टि दोष दूर में अगर हम देखें दूर दूर तो ऊ निकल कर आता है यानी दूर दृष्टि दोष दूर उत्तल दूर उत्तल यानी दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं जब हम दूर को खींचे तो दूर में ऊ निकल कर आएगा याद रखिएगा हमेशा जहां एग्जाम में पूछा जाए कि दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे तो दूर में ही उत्तल छिपा हुआ है जिससे हमें याद रखने में आसानी होगी ठीक है अरे बात समझ में अब देखिए कहां नजदीक का चीज नहीं दिखाई पड़ रहा है देख रहे हो नजदीक का चीज दिखाई नहीं पड़ रहा है धुंधला आ रहा है लेकिन ही हाइप्रोपिया करेक्ट होता है चीजें स्पष्ट दिखाई पड़ने शुरू हो जाती है ठीक है आगे अब एक और डिजीज होता है प्रेस बायोपिया जरा दृष्टि दोष तो सर ये डिजीज जनरली ओल्ड एज में देखने को मिलता है वृद्धावस्था में देखने को मिलता है प्रेस बायोपिया जरा दृष्टि दोष इन द ओल्ड एज द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ लेंस डिक्रीज हिंस वन कैन नॉट सी बोथ नियर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स स्थिति बहुत बुरी हो जाती है ना हम दूर का देख पाते हैं ना नजदीक का देख पाते हैं तब देख तो कभी कभी चश्मा दोनों वाले लगते हैं इसमें तो वृद्धावस्था में आंख के लेंस के लचक की शक्ति कम हो जाती है हम नचा नहीं पाते हैं ना अभी क्या है अभी हमारी एज है तो आंख हमारा पूरा लचक होता है दोनों तरफ से और आंख के लचक की शक्ति कम हो जाती है इसलिए दोनों निकट की भी वस्तु दूर की वस्तु भी नहीं देख पाते हैं इसे जरा दृष्टि दोष या प्रेस बायोपिया कहेंगे एग्जाम में क्या रहेगा प्रेस बायोपिया में कौन सी वस्तुओं को देख सकते हैं दूर की वस्तु नजदीक की वस्तु तीसरा दोनों वस्तु नहीं देख सकते हैं नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ तो क्या होगा कि प्रेस बायोपिया में कैन नॉट सी बोथ नियर एंड डिस्टिंक ऑब्जेक्ट्स ठीक है तो एकदम तोड़कर समझाते जा रहे हैं एक करके ताकि अच्छे तरीके से आप एज्यूम करिए और इसे एकदम भी प्रैक्टिकल सोचिए कि बुजुर्ग हो गया उनको प्रेस बायोपिया हो गया वो ना नजदीक वाला देख पाएंगे ना दूर वाला देख पाएंगे तो इलाज क्या होगा इलाज है बाइफोकल यानी दो अलग अलग लेंस टू सेपरेट लेंस अवतल भी लगेगा उत्तल भी लगेगा कनके भी होगा और कॉन्वेक्स भी होगा इसीलिए इसे बाइफोकल लेंस कहते हैं द बाइफोकल लेंस इज यूज टू करेक्ट प्रेस बाय जरा दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है दो अलग अलग लेंस का उपयोग करते हैं एक और डिजीज है अस्टिक जिसको हम लोग दृष्टि वैस्ट में कहते हैं यानी अस्टिगम क्या है द इमेज फॉर्म इज नॉट क्लियर बिकॉज कॉर्निया बिकम्स इरेगुलर आर्टबिंब अस्पष्ट नहीं बनता है क्योंकि कॉर्निया अनियमित हो जाती है अब ये देखिए ये नॉर्मल विजन है ये हमारी कॉर्निया दिखाई पड़ रही है और ये कॉर्निया अनियमित हो गई है अनियमित हो गई है वही एक चीज़ में। एक चीज मैं और समझाऊंगा आपको एक एग्जाम में रहता है कि किसी भी आंख का कलर किसी का नीला है कहते ना झील की आंखों वाली किसी का भूरा है एकदम बिल्कुल बिल्ली की तरह कैट की तरह तो आंख का कलर कौन डिसाइड करता है कॉर्निया रॉड्स कोंस आयरिस तो आंख का कलर आयरिस डिसाइड करता है कि किसी का किसी के आंख का कलर कैसा होगा जब आपके एग्जाम में पूछा जाए कि किसी भी व्यक्ति का आंख का कलर कौन डिसाइड करेगा आपके ऑप्शन में कॉर्निया होंगे, आईरिस होगा, होगा होगा? या रॉड्स तो याद रहे आँख का कलर कौन डिसाइड करता है आयरिस करता है ठीक है अस्टिक में क्या होगा कॉर्निया की जो आकृति है वो क्या होगा इरेगुलर हो जाएगा जैसे तैसे हो जाता है इस कारण से हम देख नहीं पाते हैं तब इसका उपाय क्या है इलाज क्या है वो समझते हैं देखिए द सिलेंड्रिकल लेंस इज यूज टू करेक्ट अस्टिंग दृष्टि दृष्टि में को ठीक करने के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है तो चार था निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस फिर से रिमाइंड करें दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस बायोपिया में बाइफोकल लेंस और अस्टिग में सिलिंड्रिकल लेंस बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं ठीक है चलिए तो ये था डिफेक्ट ऑफ़ विज़न, और क्या चैप्टर में बन सकता है और क्या क्वेश्चन बन सकता है इस से? एक ये। अभी कहा, में, में दो सेल होते हैं देर आर टू काइंड ऑफ विजन सेल्स इन द रेटिना कौन कौन सा सर तो दे आर कॉल्ड रॉड्स एंड कौन रोड्स रॉड्स कहें और कौन हैं। है सर इसका नाम पता है क्यों रखा गया उनके अजीब आकार के कारण उन्हें छड़ और शंकु कहा जाता है तो आप देख रहे हो जो रेड कलर का है वो रॉड है जो हल्की ब्लू कलर की है वो कौन है या कौन कहें क्लियर है तो दोनों का काम क्या है दोनों के फंक्शन क्या हैं यही आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं कि रॉड्स से क्या होता है कौन से क्या होता है आयरिस तो देख चुके हैं कि आयरिस के कारण हमारे आंख के कलर तय किए जाते हैं कि आपका आंख का कलर क्या होगा देखिए जहां रॉड की बात करें फिगर समझना ये रॉड हो गया और ये कौन से हो गया रॉड सेल्स डिसाइड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट छड़ कोशिका प्रकाश की तीव्रता को तय करती है और कौन सेल डिस्टिंग कलर ऑफ लाइट शंकु को प्रकाश का रंग अलग करती है यानी कहें कि जो हमें कलर दिखाई पड़ता है कहीं ग्रीन है कहीं ब्लू है वो कौन डिसाइड करता है कौन डिसाइड करता है कौन डिसाइड करता है मतलब कौन से डिसाइड करता है संकु डिसाइड करता है शंकु तय करता है तो सर याद रखे रेटिना में पर प्रतिबिंब बनता है छवि बनता है आयरिस के कारण आयरिस के कारण कलर डिसाइड होते हैं आयरिस के कारण का कलर डिसाइड होता है कोंस के कारण कलर विजन कहे हम और रोड्स के कारण जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट प्रकाश की तीव्रता को तय करती है लाइट की तीव्रता को करती है तो ये सर छोटे छोटे पॉइंट हैं जो एग्जाम हॉल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए ठीक है? अरे समझ में? अब देखिए आई रिलेटेड प्रॉब्लम, नेत्र संबंधी समस्या तो मोस्टली अगर हम आंख की जो रोग कहें नेत्र का जो रोग कहें डिजीज कहें दो होते हैं कैट्रक एक, एक ग्लूकोमा मोतियाबिंद जिसे कहें मोतियाबिंद क्या है एन ऑपेक इट मेंज डेवलप्ड ऑन द कॉर्निया दिस क्लाउड रिजल्ट इज ब्लड इमेजेस ब्लर हो जाता है यानी इमेज दिखता नहीं है कॉर्निया पर एक अपारदर्शी सफेद झिल्ली विकसित हो जाती है इस धुंधलापन के कारण या परिणाम स्वरूप प्रतिबिंब धुंधली होती है ये नॉर्मल है और आंख के ऊपर पता ये आंख है और इसके ऊपर हल्की 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 पर्द बन जाती है जिसके कारण वह दिखाई नहीं पड़ता है तो याद रहे कि कैट्रैक्ट यानी मोतियाबिंद क्या है कि एन ओपिक वाइट इसका उपाय क्या है उपाय क्या है क्या इसका ऑपरेशन उपाय है या कुछ और है देखिए तब जब एक परत बन जाएगा परत बनने के बाद तो दिखाई नहीं पड़ेगा द पर्सन लॉसेस, लूजेज, विजन पार्शियली और कंप्लीटली सॉरी देखिए व्यक्ति या पूर्ण रूप से दृष्टि खो देता है पार्सियली और कंप्लीटली पार्सियली थोड़ी थोड़ी दिखेगा थोड़ा थोड़ा नहीं दिखेगा कंप्लीटली भैया पूर्ण रूप में ब्लाइंड हो गए तब क्या करना है मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना है ऑपरेशन कराना यानी जो झिल्ली लगी हुई है बादल जैसी व्हाइट व्हाइट उसे हटा देना है यानी कैन बी कवर्ड बाय गेटिंग मेम्ब्रेन रिमूव्ड बाय सर्जरी तो सर्जरी द्वारा झिल्ली को हटाकर कवर किया जा सकता है यानी आंख को बचाया जा सकता है अपनी दृष्टि को वापस लाया जा सकता है तो एक कैट्रेक्ट एक है ग्लूकोमा ग्लुकुमा क्या है देख लीजिए यह भी एक डिजीज है कई रेलवे वाले एलपी में एग्जाम में आया था कि ग्लुकमा किस अंग से संबंधित बीमारी है आंख से संबंधित बीमारी है इट इज काउस्ड बाय इंट्रोकुलर प्रेशर यूजली रिजल्टिंग फ्रोमामल फंक्शन इन द आइज ड्रेनेज सिस्टम यानी जो हमारा कहें हम लैक्रिमल ग्लैंड ग्रंथि वो ड्राई हो जाता है यह अंत दबाव के कारण बहुत जोर पड़ता है जो आमतौर पर आंख की अश्रु निकास प्रणाली में खराबी के कारण होता है अब देख रहे ये हेल्दी आई है ये गुलकुमा है और ये कैट्रैक्ट है तो जहां गुलकुमा में जो अश्रु निकासी प्रणाली है वो ड्राई हो जाता है और जहां कैट्रैक्ट यानी मोतिया बिंद में देख रहे हैं जो व्हाइट हो जाता है एक परत पड़ गई है उस पर अंतर यही है ठीक है अरे बात समझ में तो क्या इसका इलाज है या नहीं है इसका भी इलाज है क्या है उजेस डैमेज टू ऑप्टिक नर्व अच्छा इसका कारण क्या हो सकता है हमें जो हमारा ऑप्टिक नर्व है तंत्रिका है ऑप्टिक तंत्रिका को नुकसान पहुंचता है और अस्थायी रूप से दृष्टि हानि हो सकती है यानी हम अंधे हो जाएंगे अस्थायी रूप से परमानेंटली हम क्या होंगे अंधे हो जाएंगे ठीक है तो इसका इलाज क्या है इसके इलाज की बात करें तो हम बात करें ऑपरेशन इसका इलाज क्या होगा ऑपरेशन हो सकता है ठीक है देखिए अब हम बात करें कलर की सर कलर से क्या बनेगा क्वेश्चन सर कलर से क्वेश्चन बनता है प्राइमरी कलर क्या है कंप्लीमेंट्री कलर क्या है सेकेंडरी कलर क्या है तो द ऑब्जेक्ट डोंट डोंट हैव एनी कलर ऑफ देयर ओन वस्तुओं का अपना कोई रंग ही नहीं होता है प्रकाश का जो भाग अवशोषित कर लेगी अब देख लिया ब्लैक बोर्ड सब अवशोषित सम पार्ट्स ऑफ द लाइट एब्जर्ब ऑब्जेक्ट्स वाइल्ड सम पार्ट रिफ्लेक्ट्स प्रकाश का कुछ भाग वस्तुएं अवशोषित कर लेती है जबकि कुछ भाग परावर्तित करती है और प्रावर्तित भाग ही वस्तु के रंग को निर्धारित करता है द रिफ्लेक्टेड पार्ट ओनली डिटरमाइंस द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी जो परावर्तित कर दे जो रिफ्लेक्ट हो गया वही वस्तु के रंग को निर्धारित करेगा ठीक है तो अब ऐसे मान ले इन व्हाइट लाइट सफेद प्रकाश में कोई वस्तु लाल क्यों दिखाई देगा क्योंकि वह प्रकाश के लाल भाग को परावर्तित करती है सफेद प्रकाश में कोई वस्तु लाल दिखाई पड़ती है क्यों क्योंकि वह प्रकाश के लाल भाग को परावर्तित करेगी जबकि अन्य सभी को अवशोषित कर लेगी ठीक है अरे बात समझ में अब ऐसे समझना कि सफेद प्रकाश की बात किया अब वस्तु लाल इसलिए दिखाई पड़ रही क्योंकि प्रकाश के लाल भाग को परावर्तित करती है अभी क्वेश्चन आएगा सफेद प्रकाश में अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम रख दें, तो वो कैसा दिखाई पड़ेगा लाल दिखाई पड़ेगा ठीक है द कलर ऑफ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपारदर्शी वस्तुओं का क्या होगा जो इस पार से उस पार हो जाए तब जो जा चश्मा की बात करें वो तो एब्जॉर्ब करेगा नहीं कलर ऑफ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द कलर ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट अपारदर्शी वस्तुओं का रंग प्रकाश के रंग पर निर्भर करेगा जबकि पारदर्शी वस्तु का रंग उनसे पार होने वाले प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। समझना कहा अपारदर्शी वस्तुओं का रंग जो परावर्तित होगा कलर जो प्रकाश परावर्तित होगा उस पर निर्भर करेगा जबकि पारदर्शी वस्तु का रंग उनसे पार होने वाले प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है ठीक है देखिए जो वस्तु सभी प्रकाश के रंग को परावर्तित करेंगे सफेद दिखती है तथा तो जो सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है काली दिखाई पड़ती है मैंने क्या कहा ब्लैक बोर्ड का एग्जाम्पल जो वस्तु सभी प्रकाश के रंग को परावर्तित करेगी वह सफेद दिखाई पड़ेगी जैसे बादल जो सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है उसे क्या दिखाई पड़ेगी काली दैट मीनस ब्लैक बोर्ड ठीक है अब देखिए कहा कि सर कलर तीन प्रकार के होंगे एक प्राइमरी होंगे एक सेकेंडरी होंगे कंप्लीमेंट्री होंगे तो प्राइमरी कौन होंगे आर जी बी आर जी बी जो कलर टेलीविजन में यूज किया जाता है एग्जाम में पूछे जाते हैं प्राइमरी कलर कौन सा है आरजीबी है रेड ग्रीन ब्लू टेलीविजन में किस कलर का प्रयोग होता है सीआरटी में उसके तो प्राइमरी कलर यूज होते हैं जिसे हम आरजीबी कहते हैं रेड ग्रीन ब्लू तो द रेड ग्रीन ब्लू कलर्स आर कॉल्ड द प्राइमरी कलर्स एंड ऑल अदर कलर्स आर मेड ऑफ यानी लाल हरे नीले रंगों को प्राथमिक रंग कहा जाता है और अन्य सभी रंग उनसे ही बनते हैं मिलकर यानी जितने भी कंप्लीमेंट्री कलर होंगे जितने भी सेकेंडरी कलर होंगे उसमें प्राइमरी कलर की भूमिका अहम होगी ठीक है तो क्वेश्चन आता है आपका ये सेकेंडरी कलर में कि किन में से किन कलर को मिलाएंगे येलो बनेगा तो द कलर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्राइमरी कलर इज से द सेकेंडरी कलर दो प्राथमिक रंगों के संयोग से बना द्वितीय रंग है रेड और ग्रीन को मिक्स करेंगे येल्लो बनेगा रेड ग्रीन क्या है प्राइमरी कलर है रेड ब्लू को मिलाने से मैजेंटा बनेगा रेड ब्लू क्या है प्राइमरी कलर है ग्रीन ब्लू को मिलाने से सियान बनेगा सियान यानी हिंदी में इस पिकॉक नीला कहते हैं पिकॉक नीला कहते हैं कई लोगों को लगेगा दोस्तों को कि सर सियान कौन सा कलर है तो ग्रीन ब्लू प्राइमरी कलर हुआ क्या निकल कर आया सियान रेड ब्लू प्राइमरी कलर हुआ क्या निकल कर आया मैजेंटा रेड ग्रीन प्राइमरी कलर हुआ क्या निकल कर आया येल्लो तो ये हमेशा याद रखिएगा क्वेश्चन हो सकता है कि रेड और ग्रीन प्राइमरी कलर है दोनों को अगर मिला दिया जाए तो कौन से सेकेंडरी कलर का निर्माण होगा येल्लो का होगा ठीक है कंप्लीमेंट्री की बात करें पूरक रंग वेन टू कलर कोई भी दो कलर चाहे वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो वेन टू कलर्स वेन एडेड प्रोड्यूस व्हाइट लाइट आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री कलर्स जब दो रंगों को परस्पर मिलाने से श्वेत प्रकाश उत्पन्न होगा उसे कंप्लीमेंट्री कलर पूरक रंग कहे जाएंगे ये तो आसान है कोई भी मिला दे याद रहे कोई भी कहा रेड सियान को मिलाएंगे व्हाइट होगा ब्लू येलो को मिलाएंगे तभी व्हाइट होगा ग्रीन मैजेंटा को मिलाएंगे सियान होगा तो हमें आर जो प्राइमरी कलर है इसे याद रखना होगा बाकी बात कॉन्सेप्ट क्लियर ठीक है एक चीज और समझाते एक क्वेश्चन आता है इनमें से कौन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर है लाल और सियान रेड एंड सियान ब्लू और येलो ग्रीन और मेजेंटा आर कंप्लीमेंट्री ऑफ इच अदर लाल सियान नीला और पीला तथा हरा और मैजेंटा एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री कलर हैं, पूरक रंग हैं। क्लियर हो गई बातें क्लियर है यानी यहां तक हम लोगों ने देखा ह्यूमन आई और कलर से जुड़ी हुई बातें तो यकीन इस चैप्टर से स्वयं का जो कॉन्सेप्ट होगा आपका क्लियर हुआ होगा ठीक है तो मिलेंगे फिर से नए चैप्टर में साइंस में ही जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा जिससे कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं चलिए तब तक के लिए धन्यवाद